शेयर बाजार पर भी इसका बड़ा असर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर राजस्थान से, जहां कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। दूध, फल, सब्जी, किराना की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जरूरी दफ्तर भी खुले रहेंगे, लेकिन बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। सार्वजनिक समारोह पर भी रहेगी रोक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से। आपको बता दें, कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और पूरे राज्य में राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जावेद मंसूरी हैं, मनोज शर्मा भोपाल से जुड़ चुके हैं, आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं भवानी सिंह जयपुर से। भवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यानी अब राज्य में एक और कड़ा कदम, 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जरा बताइए कि किन किन को छूट रहेगी और कौन कौन सी चीजों पर रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान पाबंदी, और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए गायत्री, 3 मई तक लॉकडाउन है, 15 दिन का यानी लॉकडाउन है। 15 दिन में छूट सिर्फ किराना, सब्जी और दूध, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें उनकी छूट है, और ज़रूरी दफ्तर है यानी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वही खुले रहेंगे। एक तस्वीर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जयपुर के अंदर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया और ये पुलिस थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक एक बिल्डिंग को इस वक्त जयपुर के अंदर सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि कोरोना कुछ टाइम के लिए हवा के अंदर रह सकता है, और ख़ासतौर पर पुलिस थाने वो जगह है जहां पर आम लोग आते हैं, इसलिए इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है, आप अब सड़कों को फिर उसके बाद में सैनिटाइज किया गया। ये लगातार कोशिश की जा रही है कि संक्रमण मुक्त किया जाए शहर को, ये कोशिश है। और अब जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके अंदर सरकार जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी काफ़ी हद तक खुला है, लेकिन उस पर सख्ती की कोशिश की जा रही है। कहा जिनके पास में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी 72 घंटे पहले की, वही अगर कोई स्टेट से बाहर जाना चाहता है या आना चाहता है या स्टेट के अंदर भी कहीं आ जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी होगा। रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो लोग सिटी ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर खुला हुआ है, लेकिन उसके अंदर ठीक है, शर्त ये है कि आप ठीक है भवानी, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन ये अच्छा कदम है बचाव का। आप जरा बताइए मनोज, वहां पर आज क्या स्थिति है? मनोज, हाँ, ये मैं जहाँ तक भोपाल की बात है तो भोपाल में पहले आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा। ये भोपाल का शिवाजी नगर में 5 नंबर मार्केट है, जो अमूमन यहाँ पर सब्जी की दुकानें भी खुलती थी, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू, स्वतः दुकान बंद रखने की बात जो हो रही थी, तो आज सब्जी की दुकानें भी यहाँ नहीं खुली। लेकिन सामने आप जो गैस के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर बाकायदा बेचे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है वो आ रही है गायत्री, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। 47,000 रुपये में एक शख्स, एक मामला यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, जिसमें 47,000 रुपये में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया और उसमें 4 लोगों को पुलिस ने बकायदा गिरफ्तार किया है और वो नकली इंजेक्शन था। इसी तरह इंदौर में एक केस पकड़ा गया है जहाँ 35,000 रुपये में 2 इंजेक्शन के साथ, एक नर्स भी है उसमें शामिल, उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है और वो इंजेक्शन को 35,000 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे। यानी इतने मुश्किल वक्त में भी, जब मध्य प्रदेश में इस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग परेशान हैं, तब भी लोग कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं। और ये तो बड़ी चिंता का विषय है मनोज। एक तो कालाबाजारी इंजेक्शन की, वो भी गलत इंजेक्शन, अब सोचिए मरीज की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये इसी तरह का इंजेक्शन लग भी जाता है। हम लौटेंगे मनोज आपके पास, लेकिन दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता के 80% आईसीयू और नॉर्मल बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। वहीं कोरोना की वजह से चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं आज 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है, जिसमें उम्मीद यह है कि दिल्ली सरकार आज भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। तो आज भी कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि 25,000 को भी जो आंकड़े हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। जावेद दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, अब तो 25,000 को भी क्रॉस कर दिया है आंकड़ों ने। जावेद, जरा आज की स्थिति बताइए और उम्मीद क्या है, अब कौन से कड़े फैसले हो सकते हैं सरकार की तरफ से?
देखिए गायत्री, 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कॉन्फ्रेंस करेंगे डिजिटल। भावना है कि मीटिंग में क्या की बात सामने रख। चलिए जावेद, हम लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेंगे, क्योंकि जावेद बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से और कड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अहम बैठक होनी है और 11 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि अब और कौन से कड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में, लेकिन अब इस सबके बीच